हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन हिस्ट्री ऑफ क्लास 9 चैप्टर नंबर 1। ओके, इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द रोल ऑफ फिलोसफर्स इन द प्रीवियस वीडियो, कि किस तरीके से उन्होंने जो ग्रोइंग मिडिल क्लास था, जो एनरिचिंग मिडिल क्लास था, उसको एक डायरेक्शन दिया, एक रूट दिखाया टू फॉलो अ न्यू पाथ ऑफ इक्वालिटी एंड फ्रीडम। ओके, तो अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। पहली बार रेवोल्यूशन यानी कि सारे लोगों ने इकट्ठा होकर कब लॉ 16 के खिलाफ एक आउटब्रेक किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आउटब्रेक है और पहला आउटब्रेक है। द पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, सो लेट्स सी, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, यू विल एंजॉय रीडिंग इट। सी स्टूडेंट्स, लॉ 16 प्लान टू इम्पोज न्यू टैक्स पॉलिसी। ऐसा था कि स्टेट की हालत आपको पहले से ही पता है कि क्या थी, तो लॉयर 16 ने सोचा कि एक नई पॉलिसी लेकर आते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और उसमें टैक्स इम्पोज किया फिर से किसके ऊपर, थर्ड स्टेट के ऊपर। नाउ यू नो दिस एंड आई नो दिस कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट तो टैक्स देता नहीं था, बेचारा कौन टैक्स देता था, ओनली थर्ड स्टेट। अब उसके ऊपर न्यू पॉलिसी और ओल्ड रीजन के हिसाब से जो राजा है वो अकेले कोई डिसीजन नहीं ले सकता, उसको एक असेंबली बिठानी है, असेंबली में वोटिंग करानी है एंड इफ द मेंबर्स अग्री तो वो पर्टिकुलर प्रपोजल पास हो जाएगा। ठीक है, ऐसी मीटिंग डिस्कशन को लेके, किसी इंपॉर्टेंट वाइटल डिस्कशन को लेके आखिरी बार हुई थी इन 1614। ठीक है, तो यहां तक बाकी भी पढ़ लेते हैं। लॉ 16 प्लान टू इम्पोज न्यू टैक्स पॉलिसी ड्यू टू ओल्ड राइम ही कैन नॉट, देखिए विलन का प्लान हो गया स्टोरी की तरह, ही कैन नॉट इम्पोज एनी प्रपोजल विदाउट द मीटिंग ऑफ एस्टेट जनरल्स। एस्टेट जनरल कौन हो गए, तीनों एस्टेट के फर्स्ट सेकेंड और थर्ड के रिप्रेजेंटेटिव। ओके, तो ऑफ द एस्टेट जनरल विच वॉज लास्टली हेल्ड इन 1614। होती कहाँ है, अगर ये आपसे वन मार्क क्वेश्चन पूछा जाए तो बच्चों ये वर्सलीज में होती है। ओके, ये ध्यान में रखिएगा, ये इस तरीके की जो राजा की मीटिंग्स होती है वो उनके पैलेस वर्सलीज में रहती है। अब क्या हुआ, तो फाइनली ऑन 5 मई 1789 उन्होंने एक दिन डिसाइड किया जब मीटिंग होगी। क्लियर है, अब इस दिन मीटिंग थी, थर्ड स्टेट ने डिमांड किया। यहां पे आने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जानना बहुत जरूरी है इस चैप्टर में कि वोटिंग कैसे की जाती थी। ठीक है, तभी तो आप समझ पाएंगे कि जब वोटिंग हो रही है, जब राजा ने अपने किसी डिसीजन का हाँ या ना के पक्ष के लिए तीनों के स्टेट जनरल को बिठाया है, तो अगर थर्ड स्टेट नहीं चाहेगा तो चीज कैसे पास हो जाएगी, पर फिर भी हो जाती थी। तो हाउ वाज अ पैटर्न ऑफ द वोटिंग, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हम डिस्कस करेंगे आज ही के लेक्चर में करेंगे। पहले कॉन्क्लूजन देखते हैं ताकि जो ये जो डिस्कशन का पॉइंट है ये और इंटरेस्टिंग हो जाए हमारे लिए। तो क्या होता है उस मीटिंग में, जो राजा बुलाते हैं उस मीटिंग में उल्टा थर्ड स्टेट अपनी डिमांड रखता है। ठीक है, वो पहले तो प्रपोजल को मना करते हैं और साथ में कहते हैं कि हमारी एक डिमांड है कि हम सबको 1 person 1 vote चाहिए। अब आपको फिलहाल बिना कोई प्रायर नॉलेज के ये बात समझ में आती है कि 1 person 1 vote क्या होता है, यानी कि जितने मेंबर हैं उन सबको 1 vote का अधिकार होना चाहिए। ऐसा क्यों रखा, ऐसी डिमांड क्यों रही, ये मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा सा सब्र करिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान हो गया कि 1 person 1 vote का उन्होंने मांग रखा। अब जब उन्होंने ये डिमांड रखी तो राजा का दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल, ये क्या मांग रहे हैं, ऐसे करेंगे तो इनकी तो सारी डिमांड्स पूरी हो जाएंगी। तो राजा ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल की, मुझे पसंद नहीं है। जैसे ही उन्होंने उनका प्रपोजल रिजेक्ट किया, लोगों को गुस्सा आ गया, वो एकदम असेंबली छोड़ के बाहर चले गए और गुस्से में उन्होंने अंडर द लीडरशिप ऑफ एविसिस एंड मिराबियो, ठीक है, ये दोनों बहुत नोबल फैमिली के सन थे पर ये दोनों ही चाहते थे कि फ्यूडल सिस्टम बंद हो जाए। दे बोथ वर अगेंस्ट फ्यूडल सिस्टम। ये वन मार्क्स आता है, ये पूछा जाता है कि ये दोनों कौन थे, तो ये दोनों नोबल फैमिली के सन्स थे और दोनों फ्यूडल सिस्टम के अगेंस्ट है। ये चीजें आप अपनी नोट मेकिंग में लिखते रहे जब आप लेक्चर देख रहे हैं मेरा, तो ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें इतनी कीन है कि इनको वैसे जो है ध्यान रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एबेसियाजन मिराबियो के गाइडेंस में उन लोगों ने बहुत सारी मीटिंग्स हेल्ड करी, बहुत डेमोन्स्ट्रेशन दिए लोगों को और उनकी गाइडेंस में एक आउटब्रेक हुआ। फाइनली 20 जून को लोगों ने वर्सलीज में, ओके, खुद को डिक्लेयर कर दिया एज अ नेशनल असेंबली।
उन्होंने बोला कि ये ऐसा तो राजा मानेंगे नहीं और हमें कोई अधिकार देंगे नहीं, तो अब हम खुद ही नेशनल असेंबली है और बहुत कम अधिकारों के साथ उन्होंने राजा को कुछ प्रपोजल्स दे दिए, मतलब कुछ अधिकार दे दिए, कुछ डिसीजन मेकिंग पावर्स दे दिए, बाकी सारे डिसीजन मेकिंग पावर्स उनके खुद के पास ही, क्योंकि उन्होंने खुद को यानी कि थर्ड एस्टेट को एज ए नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। ये था पहला आउट ब्रेक। अब ये नेशनल असेंबली क्यों बनी, वन पर्सन वन वोट क्यों मांगा गया, पुराना जो वोटिंग पैटर्न था रिप्रेजेंटेटिव्स का वो कैसा था, बिगेस्ट क्वेश्चन जिसकी वजह से ये आउट ब्रेक हुआ। ठीक है, ये पढ़ते हैं। उससे पहले एक बार फटाफट से स्टोरी रिवाइज कर लेते हैं कि लॉयड 16 ने प्लान किया न्यू पॉलिसी टैक्स इम्पोज करने के लिए, बट ओल्ड राइम की वजह से वो खुद से ही डिसीजन नहीं ले सकते थे, ही हैज टू कॉल अ मीटिंग ऑफ एस्टेट जनरल। लास्ट मीटिंग इस समय से पहले हुई थी 1614 में, कहां हुई थी, वर्सलीज में। तो फाइनली उन्होंने एक दंड साइड किया, दैट इज 5 मई 1789 जब ये मीटिंग रखी गई, और सारे थर्ड स्टेट के लोगों ने इस मीटिंग में डिमांड किया वन पर्सन वन वोट, पर राजा ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से 20 जून को थर्ड स्टेट में खुद को वर्सलीज की सड़क पे नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया अंडर द लीडरशिप ऑफ एबी सियासन मेराबियो, हु वर द सन ऑफ द नोबल फैमिली बट दे वर अगेंस्ट द फ्यूडल सिस्टम एंड दे आर विद द थर्ड स्टेट इन देयर डिमांड फ्रीडम एंड इक्वालिटी। ठीक है, अब देखते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स जो इस स्टोरी में हमारे दिमाग में आ रहे, जैसे कि वन पर्सन वन वोट क्यों मांगा, पुराना वोटिंग का क्या पैटर्न था, ठीक है कि थर्ड एस्टेट की बात कभी आज तक मानी ही नहीं गई, कभी उनकी चली ही नहीं, क्यों नेशनल असेंबली लोगों ने खुद को डिक्लेयर कर दिया, क्या मजबूरी थी ऐसी। तो इन क्वेश्चंस के आंसर हम अभी देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टडी करते हैं हम कि वोटिंग पैटर्न या कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ मीटिंग या डिसीजन लेने का जो एक पैटर्न था, एक स्कीमा था, वो कैसा था। ठीक है, देखो किंग, ठीक, ये एक, एक या तो आप ऐसे पहले इधर समझ लीजिए, ये आपकी असेंबली हॉल है किंग का, पैलेस ऑफ वर्सलीज में, राइट। तो सेंटर में बैठे हैं किंग और उनके ठीक सामने बैठे हैं फर्स्ट एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव और सेकेंड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव, सारे लोग तो आते नहीं है। ठीक है, इनके पीछे, इनके एकदम बैक में, एकदम पीछे, ये आपको यहाँ पे लग रहा होगा सेकेंड नंबर, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, बहुत सारे सीट्स बीच में है, और एकदम पीछे बैठे हैं थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, और कुछ लोगों को तो असेंबली में आने की इजाजत ही नहीं है, वो है पीजेंट्स, आर्टिशंस और वुमेन, दीज पीपल वर डिनाइड एंट्री, इनको मना था अंदर आना। तो थर्ड एस्टेट में कौन थे, थर्ड एस्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे ना, वो सारे रिच पीपल थे। ठीक है, जैसे कि मर्चेंट्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, आर्टिशंस तो सॉरी नहीं है, बिजनेसमैन हो गए, ठीक है, जितने भी रिच और ग्रोइंग पीपल थे वही सारे रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड असेंबली के। अब देखिए, अब यहां पर आते हैं, सेम स्ट्रक्चर, यहां से मुझे आपको ये बताना था कि किस किस को बैठने का पैटर्न कैसा था, किसको कैसा अलाउड था, किसको कैसा अलाउड नहीं था। वुमेन्स को गैलरी में खड़े होने की इजाजत थी, वो भी बाद में मिली है, अभी नहीं मिली है। ठीक है, तो अब ये राजा है, ठीक, अब ये जान लेते हैं कि कितने कितने रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं असेंबली में। फर्स्ट स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, सेकेंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, थर्ड स्टेट में 600 रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, क्योंकि थर्ड स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, पूरे कंट्री की 90% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो थर्ड स्टेट, तो जाहिर सी बात है डबल से ज्यादा ही है ये, तो इनके केवल 600 रिप्रेजेंटेटिव्स भी कम, 10% लोगों में, 5% लोगों में आप 300-300 भेज रहे हैं, और 90% में से आप 600 भेज रहे हैं, पहला इंजस्टिस तो यही है। चलिए खैर कोई बात नहीं, दूसरी बात इनको वोट कैसे लेना था। जैसे राजा ने मान लीजिए कोई प्रपोजल है, वो प्रपोजल लॉन्च किया, ठीक है, इनके पास कोई प्रपोजल है, इन्होंने वो प्रपोजल बताया, अब वोट करना है। तो यहाँ क्या होता है कि फर्स्ट स्टेट के जो 300 रिप्रेजेंटेटिव है वो आपस में डिस्कस करेंगे, और आपस में डिस्कस करके एक वोटिंग पावर उनके पास है, या तो हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। तो वन वोट का राइट इनके पास था, सिमिलरली वन वोट का राइट इनके पास था, सिमिलरली वन वोट का राइट इनके पास था। अब देखो, इनको प्रॉब्लम थी, इनको प्रॉब्लम थी, इनको क्या प्रॉब्लम थी, इनको प्रॉब्लम ये थी कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट दोनों प्रिविलेज्ड हैं, दोनों के एक जैसे अधिकार हैं। मान लो न्यू टैक्स पॉलिसी पे इनका क्या जाता है, इन्होंने दे दिया वन वोट, इन्होंने दे दिया वन वोट, राजा का तो है ही प्रपोजल,
तो किसके फेवर में क्या डिसीजन? इन दोनों के फेवर में गया। इस तरीके से कोई भी प्लान और पॉलिसी जब आती थी तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम और अकेला कौन बढ़ जाता था? थर्ड स्टेट, क्योंकि सब इनके खिलाफ होती थी और इन्हीं के पास केवल कितनी पावर थी? वन वोट की। इनडायरेक्टली ऐसा समझ लो कि राजा के हर प्रपोजल के पास कितनी पावर थी? टू वोट की, 1+1=2, जो कि यूजुअली मिल जाते थे बहुत इजीली, और ये हमेशा सारे केसेस इसलिए हार जाते थे। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब इन्होंने मांग किया, सबसे पहली बात तो ये कि थर्ड एस्टेट में भी दो कैटेगरी है, अगर आपको याद हो। एक तो ये वाली हो गई जो डिनाइड कैटेगरी है, एक एक्सेस, एक रिच वाली कैटेगरी है और एक डिनाइड वाली कैटेगरी है। तो डिनाइड वाली कैटेगरी की अपनी अलग प्रॉब्लम्स है, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, बिजनेस पर्सन की अपनी अलग प्रॉब्लम्स है। वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जो और भी ज्यादा पुअर सेक्शन है, स्ट्राटा है सेक्शन का, उसकी प्रॉब्लम्स को? तो इसके लिए इन लोग, अब ये लोग क्या चाहते थे कि हमें 600 रिप्रेजेंटेटिव पर वन वोट नहीं चाहिए, हमें 600 रिप्रेजेंटेटिव पर 600 वोट चाहिए। समझ में आ रही है बात? 600 रिप्रेजेंटेटिव पर 600 वोट चाहिए, इसलिए इन्होंने मांगा कि हर एक रिप्रेजेंटेटिव अपनी बात रखने के लिए एकदम फ्री। क्लियर? ये इनकी मांग थी। अब क्यों थी आपको समझ में आ गया होगा। प्लस ये बेचारे जिनको एक्सेस ही नहीं था, पीजन आर्टिशंस वुमेन डिनाइड एंट्री, जिनको एक्सेस नहीं था, इन बेचारों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव के हाथ 40,000 पिटिशंस फाइल करके राजा के लिए भेजी थी। 40,000 पिटिशंस, मतलब उसमें ऐसे ऐसे बेसिक जो अधिकार का हनन था और राजा से गुजारिश थी कि वो मान लिया जाए कि वो जो कि सिटीजन होने के राइट होते हैं, और वो वैसे ही मर जाते हैं। क्लियर है? तो अब आपको समझ में आया टॉपिक, ये स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद कि क्या कंडीशन थी, व्हाट वाज द सिचुएशन, मतलब कितना क्या थर्ड स्टेट के साथ क्या किया जा रहा था। ऑलरेडी बेचारों के पास सिर्फ वन वोट, और फर्स्ट और सेकंड स्टेट जो कि एक जैसे ही है, ऑलमोस्ट सिमिलर है सारी चीजों में, वोटिंग राइट में, सब कुछ में, तो उनके पास टू वोट है, तो ऑटोमेटिकली सारे डिसीजन से जीत जाएंगे और सारे डिसीजन से हार जाएंगे ना। इसलिए दे वॉन्ट अ नेशनल असेंबली, इसलिए दे वॉन्ट वन पर्सन वन वोट फॉर एवरीबडी। क्लियर है? जिसकी डिमांड इन्होंने रखी पर वो रिजेक्ट कर दी गई, जिसका रिजल्ट हुआ आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन ऑन 20 जून अंडर द लीडरशिप ऑफ वर्मा। क्वेश्चन है, ये जरूर आता है, एबे, सियास एंड मिरादी। ठीक है, तो याद रखेंगे ये वर्मा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये चीज, ये जो रिवोल्ट हुआ है ना, सड़क पर बनाए हैं जो 20 जून को, ये लाएगा हार्डशिप्स, जो कि है मेरा नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक। सो स्टे ट्यून्ड, पढ़ते रहिए, ये सब एनसीईआरटी का कंटेंट है। नीड नॉट टू वरी, नीड नॉट टू हैसल कि पता नहीं एनसीईआरटी में क्या होगा। डेफिनेटली वी विल सिट वन डे एंड वी विल सी ऑल द एनसीईआरटी आल्सो, वेयर एज एनसीईआरटी इज हियर। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इनकेस आपको समझ में आ जाए कि कहाँ बैठते हैं, कैसे बैठते हैं, कौन खड़ा रहता है, कौन बैठा रहता है, कौन किधर बैठता है, किसके कितने रिप्रेजेंटेटिव हैं, किसके पास कितने वोटिंग राइट हैं। दैट मीन्स ये ऑटोमेटिकली ये दिक्कत और इसका सॉल्यूशन और आउटब्रेक की वजह आपको खुद बहुत समझना चाहिए। ओके, बाय बाय।